भाई राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोले अग्रवाल साहब। क्या हुआ मेरे पैसे का, अभी तक आया नहीं? अग्रवाल साहब आप तो जानते हैं ना, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है। अरे धंधे में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी जो कमिटमेंट किया वो नहीं देने का। देखिए मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वर्मा देखो तुमको 6 महीने से मोहलत दे रहा हूँ, आजकल किए हुए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, समझे क्या? नहीं तो देख लेना मैं क्या करूंगा। वरना आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ वर्मा। ठीक है मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा, जो बन सके कर लो। कौन हो तुम लोग, मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरे घर में आके मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं? भाग भाग भाई भाई भाग 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 भाग। हर एंगल से अच्छे से फोटोग्राफ्स लेना। जी सर। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। यादव। जी सर। कुछ मिला क्या बुक में? सर देख रहा हूँ। देख देख देख। माही इसको फॉरेंसिक लैब में भेजो। माही। जी सर। यादव। जी सर। बॉडी का पंचनामा कर और पोस्टमार्टम के लिए भेज। ओके सर। ठीक है। ओके सर। माही रिकॉर्ड करो। माला जी बताइए क्या हुआ था? सर मैं किचन में काम कर रही थी और जेठ जी हॉल में बैठ के शराब पी रहे थे। माला पकड़े तैयार हुआ कि नहीं? अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं किचन से भागते हुए हॉल की तरफ आई तो मैंने देखा कि मेरे घर में घुसकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है। हाँ तेरी तो ठोक दूंगा, अगर मेरे भाई के पैसे नहीं दिया तो ठोक दूंगा। ये
अपने भाई को बोलना कैसे खिलौने से डरता नहीं हूँ मैं। नहीं पैसा दूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ छोड़ना नहीं, तुम दोनों को तुम तो पता नहीं किसे पकड़ लेना। छोड़ो छोड़ो, हट यहाँ से। क्या कर रहे हो आप लोग? निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखे ना काट डालूंगी। निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। छोड़, पकड़ से पकड़, छोड़ छोड़ छोड़ो। ओह कर्ज हो चुका था। मिस्टर अभिषेक, आपके भैया से किसी की कोई जाति दुश्मनी या फिर आपको किसी पे शक है? बिजनेस में लॉस होने के कारण उनके ऊपर काफी कर्ज हो चुका था और उनके पास कई लोगों के धमकी भरे कॉल आने लगे थे। हाँ मेहता जी, वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई, थोड़े पैसे की जरूरत थे। अरे भाई, आपने पहले के भी पैसे नहीं दिए मुझे। मेहता जी, दे दूंगा। इसके पहले भी जब पैसे लिए थे तो ब्याज के साथ वापस किए थे ना। तब की बात अलग थी, तब आपका धंधा चल रहा था। अभी आपका धंधा बंद है, आप लॉस में हैं। चौपट हुआ तो क्या हुआ, वापस बिजनेस शुरू नहीं होगा क्या? उसके पहले कभी लॉस नहीं हुआ क्या? अरे भाई, तब की बात अलग थी वर्मा साहब, लेकिन अभी क्या है ना, अभी मेरे पैसे वापस दे दिए ने तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ। मेहता जी, ये धमकी बमकी से कुछ नहीं होने वाला, ना आपका फायदा होगा ना मेरा। रस्सी जल गई समझे, लेकिन बल नहीं गया। और एक बात याद रखना, मेरे पास पैसे आएंगे ना तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद आके पैसा दे जाऊंगा। रखिए फोन। जिसको देखो सब ज्ञान बांट रहा है, साला मूड खराब कर दिया। साला मेहता,
मुझसे करोड़ों कमाए, आज मुझसे ही पीठ फेर रहा है। एक बार पैसा आने दो, एक एक के मुंह पे जाके मारूंगा। भैया बोल छोटे, मैं समझ सकता हूं कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि शराब पीकर आप अपनी सेहत खराब करें। किसी ने सच कहा है, जब दिन खराब हो ना, कोई भी हेरा घेरा आपको ज्ञान बांटता है। एक बात याद रखना छोटे, मैं अपना अच्छा बुरा सब समझता हूं, तुमसे बेहतर समझता हूं, ठीक है? जाओ अपना काम करो। मुझे सिखाना आ गया सब लोग। मिस्टर अभिषेक, हमें आपके भाई की मोबाइल की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। आई होप यू डोंट माइंड। थैंक यू माई जी। सर, राकेश वर्मा की कॉल डिटेल्स आ चुकी है। वैसे तो उसने काफी नंबर्स पर बात की है, बट एक सस्पिशियस नंबर सामने आया है जिसपे उसने कंटिन्यूअसली बात की है। ओके। इस नंबर के बारे में पता किया तो ये किसी बिजनेसमैन मयंक अग्रवाल का नंबर। मयंक अग्रवाल? जैन सर। जैन सर, राकेश शर्मा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। ओके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी जो हत्या की गई है सर, उसी चाकू से की गई है। ओके। और फिंगरप्रिंट्स? सर, अभी तक फिंगरप्रिंट की लैब से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कोई बात नहीं, इधर देखो। एक काम करो यादव, फॉरेंसिक लैब में कॉल करो और उनको बोलो हमको फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए। ओके ओके सर। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है। जी सर। जाओ। ओके सर। मिस्टर मयंक अग्रवाल, राकेश वर्मा का खून क्यों किया आपने, सच बताइए। अरे नहीं सर, मैं राकेश वर्मा को क्यों मारूंगा? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं उसको क्यों मारूंगा? सच सच बताओ, तुमने मारा तो नहीं है लेकिन मरवा तो सकते हो ना, सच सच बताओ। सर, मैं मरवा सकता हूँ, मेरे आदमी गए थे वहाँ मारने के लिए नहीं, डराने के लिए। मेरा पैसा बाकी है और उनके पास लाइसेंसी गन भी है। वो चाहते तो गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो किसी ने चाकू मारा है। क्या नाम है तुम्हारे आदमियों का? सर, वैसे तो मैंने फिल्मी नाम रखे हैं सर, राम, श्याम और गोपाल। यादव। जी सर। तीनों को पकड़ के लेके आ। ओके सर। बोल बोल, क्यों मारा तूने राकेश वर्मा को? साहब, हमने नहीं मारा, हम खाली डरा रहे थे, मारा नहीं उनको। चाकू से नहीं मारा तूने? नहीं मारा तूने? नहीं मारा सर, नहीं मारा। हम लोग डरा कर चले आए, हमको नहीं पता सर किसने मारा। इसको लॉकअप में बंद कर यादव। जी सर। दूसरे को लेके चल चल। अरे ये तो बच्चा है, बच्चा स्कूल जाने की उम्र में तो खून करता है। नहीं नहीं सर, हमने कुछ किया ही नहीं सर। क्या कुछ किया नहीं तूने? रमेश वर्मा को मारा किसने? नहीं नहीं सर, हम सिर्फ डराने गए थे सर। डराने गए थे? स्कूल क्यों नहीं जाता? स्कूल क्यों नहीं जाता? लेके जाओ उसको, चल लिया। क्यों रे, बड़ी मूछ लगा के तो स्कूल का बच्चा बड़ा बन रहा है, क्यों मारा राकेश वर्मा? हम लोगों ने नहीं मारा सर, हम लोग डराने गए थे सर। सच सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोगों ने नहीं मारा है। किसने भेजा था तेरे को? बड़े साहब ने भेजा था हम लोगों को पैसा लेने के लिए, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा। क्यों डाक, लेके जाओ उसको जेल में और उसको कर दो लाइक। चल चल। मिस्टर अभिषेक जी, आपके भाई राकेश वर्मा का केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो क्या कातिल पकड़ा गया? ना, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और बहुत जल्द कबूल करेगा कि उसने कत्ल क्यों किया था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से उस छुरी के ऊपर आपके वाइफ माला की फिंगरप्रिंट्स है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कुछ नहीं किया है सर, आप विश्वास करिए। मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपने कुछ किया? हाँ माला जी, जब आपने टॉपिक छेड़ दिया है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बताइए कैसे मारा आपने? सर मैंने नहीं मारा है उनको। अभिषेक बोलो ना तुम। सर ये कैसे हो सकता है? माई
सीधी तरह सच बताती हो या फिर हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया है सर। भाई पुलिस स्टेशन लेके चलो, लॉकअप में थर्ड डिग्री देंगे ना, तोते की तरह सब सच उगल देंगे। ले चलो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सर, चलो। मैंने नहीं मारा, छोड़ो। बताती हूँ मैं सब सच। बताइए मैडम, सच क्या है? सर एक बात है जो मैंने अभिषेक को आज तक नहीं बताई है। मैं भाई सबकी बहुत इज्जत करती थी पर वो डिजर्व नहीं करते थे। माला ये क्या बोल रही हो तुम? भाई साहब के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? एग्जैक्टली अभिषेक, मेरे भी यही रिएक्शन थे जब उन्होंने वो हरकत की। देखो ना सुबह सुबह शुरू हो गए। अवाइट जाने दो, अब उनको हम समझा नहीं सकते ना, उन्हें उनके हाल में छोड़ दो। मैं ऑफिस निकल रहा हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। भाई साहब आप कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए ना। मुझे चाहिए खुशी। ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे खुशी। हाँ देखो तुम कितना काम करती हो, कितनी अच्छी हो। कितना ख्याल रखते हो मेरा, पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने सर पे ले रखी है। और वो अभिषेक, अभिषेक तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रखता। अभिषेक मुझे खुश रखता है भाई साहब। ऐसा तुम्हें लगता है?
खुद को देखो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। हटो। अगर आज के बाद आपने ऐसी हरकत की ना, तो मैं सारी बातें अभिषेक को बोल दूंगी। तो अभी आप ये बताइए कि आपने अपने जेठ राकेश वर्मा को कैसे मारा? सर, मैं उस दिन किचन में काम कर रही थी तो घर में कुछ गुंडे आए और भाई साहब हॉल में बैठ के शराब पी रहे थे, तो कुछ गुंडों ने उन पे हमला किया तो मैं बचाने आई, तो उन्होंने निकल। बचाने के लिए किया ये सब, अपने आप को बचाने के लिए किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था सर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मिसेस वर्मा, आपने जो भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया, लेकिन यही बातें अगर आप अपने हस्बैंड अभिषेक को या फिर पुलिस को खबर कर देती तो क्या होता? उन्हें सजा होती?
आपका घर टूटने से तो बच जाता। जब पहली बार ही आपके साथ गलत हुआ था तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना था ना, आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देना था, क्यों नहीं किया आपने? आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। आई एम सॉरी अभिषेक, आपकी वाइफ के साथ में जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन उन्हें उनकी गुनाहों की सजा मिलेगी। माही ले चलो। चलिए। Yeah.